दोस्तों कैसे आप सभी लोग। आज हम दोबारा से आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज हम करने वाले हैं एक मैंने आपको एक वीडियो में बताया था एक कि इस ऐप में बहुत काफ़ी सारे रूबिक्स क्यूब है, सारे तो नहीं है लेकिन 50% हैं। तो फिर आज हम इसी ऐप से एक 3x3 सॉल्व करेंगे, नॉर्मल 3x3, वो भी एक गेम में, और ये रियल लाइफ में 3x3 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं हम कि कितना टाइम लेता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो एक मिनट रुको, मैं पहले जो ये गेम में 3x3 है उसे स्क्रैम्बल कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैंने देख लिया है, नहीं देखा अभी और भी। हाँ गाइस एक मिनट और एक बात और, वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, मज़ा आने वाला है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। चले, और मैं आपको बताने वाला हूँ आप इस ऐप में 50x50 का कहाँ से ला सकते हो, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, एंड में बताने वाला हूँ। मैं भी सॉल्व स्टार्ट करता हूँ बहुत तेज़ी से, एक मिनट रुको, ठीक है। अभी एक पीस जा रहा है यार, इसमें थोड़ा हार्ड है यार, रियल में तो पीसी से आराम से लग जाते हैं और आसानी से रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, इसमें तो ढूंढना ही बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ठीक है, अभी गाइस फर्स्ट लेयर सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। ये रहा हो पीस यार, दोस्त बहुत ही ज़्यादा हार्ड है यार। गाइस मैंने अभी कुछ दिनों पहले, हफ्तों पहले एक और वीडियो डाली थी जिसमें मैंने एक नया क्यूब खरीदा था, मिनी 3x3। तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि उस पर भी एक वीडियो डालूँ, मतलब नॉर्मल 3x3 और मिनी 3x3 में देखेंगे हम कि कितना किस में ज़्यादा टाइम लगता है। मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि नॉर्मल 3x3 बहुत ही क्यूट है, चलाने में उसे मज़ा आता है, ठीक है। अभी गाइस अभी मैं लास्ट लेयर पर पहुंच चुका हूँ भाई, आपसे बातें करते करते पता नहीं ये कितना बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। ठीक है गाइस सॉल्व हो चुका भाई, 2 मिनट 7 सेकंड्स में हुआ भाई, इतना गंदा सॉल्व भाई, ये अब तक का बेहोदा सॉल्व था अब तक का भी। चलिए अब हम आते हैं अपने रियल लाइफ के 3x3 पे, ठीक है गाइज। मैं अपने सस्ते टाइमर के साथ आ चुका, मेरा टाइमर ख़राब हो चुका है एक्चुअली, तो फिर पहले मैं इसमें, हाँ टाइमर निकल चुका है गाइज, ये देखो 00 आ रहा है, 000। मैंने इसमें चेकरबोर्ड पैटर्न बना कर रख दिया था क्योंकि मुझे ये पसंद है। अभी इसे स्क्रैम्बल करते हैं, और गाइज मुझे कमेंट में बताना कि आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, आप कमेंट ही नहीं करते तो मैं वीडियो कहाँ से लाऊँ। ठीक है गाइस अभी ठीक ठाक स्क्रैम्बल हो चुका है, अभी मैं थोड़ा इसे देख लेता हूँ फिर सॉल्व स्टार्ट कर रहा हूँ भाई। नीचे शेडो कैसे दिख रही है भाई, कूल है। ठीक है पहले टाइमर स्टार्ट करते हैं, भाई स्टार्ट कहाँ से, पहले मैं स्टार्ट कहाँ से होता है ये, अच्छा ठीक है समझ गया, ये हो चुका है टाइमर स्टार्ट, ठीक है क्रॉस बन चुका है, ठीक है गाइस लास्ट पेयर रह रहा है, ठीक है थर्ड लेयर
ठीक है, लास्ट एल्गोरिथम भाई भाई 40 सेकंड्स में हुआ है। देखो गाइस आप देख सकते हो 40 सेकंड्स में हुआ है, ये मेरे बेटर सॉल्व में आता है क्योंकि मैंने 35 सेकंड्स में क्या हुआ है, क्योंकि मेरे जो एवरेज है क्यूब नॉर्मल 3x3 को सॉल्व करने की भाई वो 35 सेकंड्स पहुंच चुकी है। भाई गाइस मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आप लाइक एंड सब्सक्राइब ही नहीं करते, जल्दी से करके जाना। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है।